जो भी मंदिर बन गए हैं जहाँ रामलला विराजमान हैं, उसमें एक ही पहली वर्षा में ही पानी चूने लगा, अंदर पानी भर गया था। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने राम मंदिर को लेकर बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि जहां पर रामलला विराजमान है वहां पर मंदिर की छत पहली ही बारिश झेल नहीं पाई है। सत्येंद्र दास ने राम मंदिर के निर्माण कार्य पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहली ही बारिश में राम मंदिर जहां पर रामलला विराजमान है वहां का छत चूने लगा है। इसके पहले भी विपक्ष के कई नेता राम मंदिर के निर्माण कार्य में तमाम भ्रष्टाचार की बातें कहते रहे दोस्तों, लेकिन इसी बीच राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के सवाल ने हर किसी को हैरान कर दिया है। सत्येंद्र दास ने आगे एक और बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि अभी एक साल भी नहीं हुआ कि मंदिर की छतें चूने लगी हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि 2025 तक ये निर्माण कार्य पूरा हो पाना असंभव है, लेकिन अगर सरकार और तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ये कहता है तो मैं इस बात को मान लेता हूँ। फिलहाल दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम हुआ था और अभी एक साल भी पूरा नहीं हुआ है कि राम मंदिर के मुख्य पुजारी का दावा है कि पहली ही बारिश में छत से पानी चूने लगा है। और खास बात यह है कि रामलला जहां पर विराजमान है उस छत से पानी चूने लगा है। दोस्तों आपको बता दें कि पहली बारिश के दौरान ही अयोध्या से तमाम ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिसमें अयोध्या के निर्माण कार्य पर सवाल उठाया जा रहा है। लोगों का मानना है कि जिस तरीके से अयोध्या के निर्माण में लोगों का घर गिराया गया, लोग इस बात से नाराज थे और नतीजा बीजेपी को अयोध्या में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अब सबूत सामने आ रहे हैं कि भ्रष्टाचार भी हुआ है जो बारिश के पहले ही पानी में अब सब सार्वजनिक हो रहा है। फिलहाल राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के इस बयान को लेकर अब विपक्ष मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रही है कि आखिर मंदिर में भी ये कैसा भ्रष्टाचार हो गया है। सत्येंद्र दास ने कहा है कि पानी निकलने का कोई रास्ता ऊपर से बनाया नहीं गया है, ऊपर से पानी चूने लगा है। उन्होंने कहा ये समस्या बहुत बड़ी है, सबसे पहले इस समस्या का समाधान होना चाहिए। गोदी पत्रकारिता के जमाने में निष्पक्ष रिपोर्टिंग किसी चुनौती से कम नहीं। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।